देशासह संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलेल्या इस्रोचं चांद्रयान 2 आज दुपारी 2:43 चंद्राच्या दिशेनं झेपावलंय. चांद्रयान 2 या चंद्राच्या दिशेनं झेपावल्यानं इस्रोनं पुन्हा एकदा नवा इतिहास रचलाय. गेल्या रविवारी मध्यरात्री चांद्रयान 2 प्रक्षेपण तांत्रिक कारणामुळे स्थगित झालेलं होतं, पण आज हे यान चंद्राच्या दिशेनं यशस्वीरित्या झेपावलंय. श्रीहरिकोटा इथल्या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रातनं GSLV Mark 3M1 या प्रक्षेपकाच्या मदतीनं चांद्रयान 2 उड्डाण केलंय. आजच्या यशस्वी उड्डाणानंतर चांद्रयान 2 काही दिवस पृथ्वीच्या कक्षेमध्ये भ्रमण करणार आहे आणि त्यानंतर ते चंद्राच्या दिशेनं रवाना होईल. तसंच 6 सप्टेंबर रोजी चांद्रयान चंद्रावरती उतरणार आहे. चंद्रापासून 30 किलोमीटर अंतर राहिल्यानंतर चांद्रयान 2 वेग कमी करण्यात येणार आहे. भारत पहिल्यांदाच सॉफ्ट लँडिंग करणार आहे. हे यान चंद्रावरती उतरण्याच्या आधीची 15 मिनिटं खूप महत्वाची होती असं के शिवन यांनी म्हटलंय. भारत सॉफ्ट लँडिंग करण्यात यशस्वी झाल्यास तो जगातला 4था देश ठरणार आहे आणि आता तो ठरलेला आहे. चांद्रयान 2 सध्या चंद्राच्या दिशेनं झेपावलंय. चांद्रयान 2 यात्रा 52 दिवसांची असणार आहे. सुरुवातीचे 23 दिवस हे यान पृथ्वीच्या कक्षेमध्ये असणार आहे. 250 वैज्ञानिकांची या यानावरती नजर असणार आहे. इन उनके लिए तो ये बहुत बड़ी सफलता है. उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया, इसी काम में कि अपने देश को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाए. उनका बहुत बड़ा योगदान है. उनमें से बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे साथ थे. सेंसर्स के जो एक डायरेक्टर थे वहाँ पर उन्होंने काम किया. हमारे साथ थे मीनल मैम थे, तो और भी बहुत सारे जैसे नागरानी सर, हमारे जितने भी वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. और उन्होंने हमें हर चीज़ इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जैसे और कोई कर नहीं सकता है. हमारे देश के लिए तो ये बहुत बड़ा ही अचीवमेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे पहले भी मिशन्स हो चुके हैं, पर हमारा भारत उतना पहले नहीं जा पाया. पर धीरे धीरे ऐसे ऐसी चीज़ें वो लोग खोज कर रहे हैं कि ताकि वो बाकी देशों से एक अलग ही देश बन सके लूनार मिशन में. वहाँ पर सैंपल कलेक्ट करेंगे और जो रोवर है रोवर में से सैंपल कलेक्ट होगा और उसमें से पानी का जो उसमें मात्रा है या नहीं ये पता चल जाएगा. और जो ऊपर जो ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर चंद्रमा का जो मैपिंग करेगा, वहाँ पर जो लोकेशन का फोटो खींच के वहाँ पर मैपिंग करेगा, वहाँ पर कितना क्रेटर है, कितना बड़ा बड़ा क्रेटर है, कितने छोटे छोटे क्रेटर है, ये सबका मैपिंग करेगा. बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग, क्योंकि ये पहले 15 तारीख को शेड्यूल था और तब डिले हो गया था टेक्निकल रीजंस की वजह से. प्लैनेटेरियम ने बहुत ही खासा तैयारी करी थी उस दिन भी और आज भी. हम लोगों ने अपना इन हाउस एक शो बनाया है बैक टू द मून, ताकि आम पब्लिक को भी इन मिशंस के बारे में हम लोग जो है वो सूचित कर पाएँ और उनको भी इसके बारे में एजुकेट कर पाएँ. आज खासकर जब आज चंद्रयान मिशन की जब डेट आ गई है, तो हमारे यहाँ पर जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने एक छोटा सा मॉडल भी रखा है ताकि पब्लिक को हम समझा सकें कि किस तरह से ये लैंडर एंड रोवर जो है वो मिशन में काम करेगा. अभी जो 243 पे निकला है तो ये 15 मिनट के बाद हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर देगा और अर्ली सितंबर लाइक 6 और 7 जो इसरो ने डेट दी है ये वहाँ पर लैंड करेगा. तो उसके बाद रोवर और लैंडर में से बाहर निकलेगा एंड रोवर जो है सतह के सैंपल्स कलेक्ट कर इसरो को भेजेगा और ऑर्बिट वहाँ की सैटेलाइट इमेजेस जो है वो इसरो तक पहुँचाएगा. ये देश को बहुत तरीकों से फ़ायदा होने वाला है. एक तो भारत का ये जो मिशन है ये अपने आप में ही एक तरह से उनके लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हम 4थे नंबर पर आ जाएंगे जो मून के मिशंस पे अपने कदम बढ़ा चुके हैं. और उसके अलावा ये पूरा एक स्वनिर्मित था. भारत ने इस पे पूरी तरह से किसी दूसरे देश का सहयोग और हेल्प नहीं ली है और उसको खुद ही निर्मित किया है. तो ये मिशन टेक्नोलॉजिकली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें दोनों तरह से सफलता दिलाएगा. देश के लिए उपलब्धि इस बात है बहुत बड़ी, क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया में इस फील्ड के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है. एयरोस्पेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता बच्चों को, क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता. तो इसरो ने स्टूडेंट्स को मौका दिया कि वो आए और जान पाए कि एयरोस्पेस बहुत बड़ी फील्ड है हमारे इंडिया में और इंडिया इसमें आगे बहुत सफल हो सकता है. तो हमने उस चंद्रयान देखा, चंद्रयान की पूरी वर्किंग हमें बताई गई थी और GSLV का एक छोटा मॉडल हमने अहमदाबाद सैक में देखा था और जो उसका असली मॉडल था, जो असली वाला है, वो हमने श्रीहरिकोटा में देखा था, जो 27 फ्लोर्स उसकी हाइट है. तो वो हमारे सोच से बहुत बड़ा था और वो
4000 केजी तक का पेलोड उठा सकता है और इसरो ने अभी तक का सबसे ज्यादा भारी लोड लॉन्चिंग व्हीकल वही बनाया है। तो साइंटिस्ट जो है वहां पे वो लोग सिर्फ एक ही फील्ड में ध्यान नहीं देते, वो उनको हर चीज की नॉलेज होती है। जैसे हमारे साथ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर उस बारे में ही नहीं बताया, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज थी। इंडिया सबसे पहले कंट्री है जिसने मून में वाटर के ट्रेसेस ढूंढे थे, दूसरे कंट्रीज नहीं कर पाए। और इंडिया में ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट उसको डेवलप करना जरूरी है। तो फिलहाल जितने लोग डेवलप हो रहे हैं वो हमारी कंट्री को और डेवलप कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और साइंटिस्ट ने दिन और रात लगा दिए थे इसको करने में और दे आर गेटिंग द सक्सेस, बहुत अच्छी बात है। आज भारताचं चांद्रयान अवकाशामध्ये झेपावलंय। या प्रकल्पाची सुरुवात 2007 झालेली होती। 12 नोव्हेंबर 2007 रोजी पाहिलेल्या ह्या चंद्र स्वप्नाला आज 22 जुलै रोजी प्रत्यक्षामध्ये उतरवण्यात आलेलं आहे आणि या प्रवासाचा एक खास रिपोर्ट। भारताची अंतराळ संस्था इस्रो आणि रशियन फेडरल स्पेस एजन्सीनं 12 नोव्हेंबर 2007 रोजी एक करार केला। या करारानुसार चांद्रयान 2 या प्रकल्पावर दोन्ही संस्थांचे अवकाश तज्ज्ञ कामाला लागले। ऑर्बिटर आणि रोव्हरची मुख्य जबाबदारी इस्रोच्या वैज्ञानिकांवर होती, तर रशियन अवकाश तज्ञ लँडरवर काम करत होते। 18 सप्टेंबर 2008 रोजी मनमोहन सिंग यांच्या कॅबिनेटनं चांद्रयान 2 या प्रकल्पाला मंजुरी दिली। ऑगस्ट 2009 स्पेस क्राफ्टचं डिझाईन पूर्णत्वास गेलं। या डिझाईनचा आढावा दोन्ही देशांच्या वैज्ञानिकांनी घेतला, पण ही मोहीम जानेवारी 2013 हाती घेता येईल असा निष्कर्ष या बैठकीनंतर निघाला। 2013 लँडर विकसित करण्यास रशियाला यश आलं नाही, मग पुन्हा 2016 याची डेडलाईन ठरवण्यात आली। दरम्यानच्या काळात चांद्रयान 2 या मोहिमेत आणखी एक विघ्न निर्माण झालं। रशियानं हाती घेतलेली मंगळ मोहीम अयशस्वी ठरली। रशियाच्या ह्या मंगळ मोहिमेतील तंत्रज्ञान चांद्रयानामध्ये देखील वापरण्यात आलेलं होतं। पुन्हा रशियानं लँडरसाठी नव्यानं मांडणी सुरू केली। वर्ष 2015 रशियाला लँडर विकसित करण्यात अपयश आलं। त्यानंतर भारतानं चांद्रयान 2 ही मोहीम स्वतंत्रपणे हाती घेण्याचा निर्णय घेतला। रशियन अवकाश संशोधन संस्थेला अपयश आलं। 2015 चांद्रयान 2 या प्रकल्पाची 100% जबाबदारी भारतीय अवकाश तज्ञांवरती आली। मार्च 2018 मोहीम फते करण्याचा निश्चय इस्रोनं केला। तांत्रिक अडथळ्यांचं सत्र काही थांबेना। जून 2018 उजाडलं, पण प्रकल्प पूर्ती काही नजरेच्या टप्प्यातच आली नाही। 2019 पहिल्या 6 चांद्रयान 2 अवकाशात झेपावणारच असा निग्रह करून इस्रोतील वैज्ञानिक कामाला लागले। लँडरच्या 2 पायांमध्ये जुजदी बिघाड झाल्याचं फेब्रुवारी 2019 चाचणी दरम्यान ध्यानात आलं। एकूणच चांद्रयान 2 घोडं सारखं लँडर मधील बिघाडावरती चढत होतं। पुन्हा एकदा प्रक्षेपणाची तारीख ठरली। 14 जुलै 2019 रोजी चांद्रयान 2 झेपावणार हे ठरलं, म्हणजेच 15 जुलैच्या पहाटे 6 सप्टेंबर 2019 चांद्रयान 2 लँडिंग होईल अशी महत्वाकांक्षा इस्रोनं उरात बाळगली। पण भारताच्या हातातून हे चंद्र स्वप्न पुन्हा एकदा निसटलं। पुन्हा एकदा तारीख ठरवली, 22 जुलै 2019 हा तो मुहूर्त निश्चित झाला। पुन्हा वैज्ञानिक चिकाटीनं कामाला लागले। या चांद्रयान मोहिमेची उद्दिष्ट जाणून घेऊयात आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। चांद्रयान 2 ही मोहीम का महत्वाची आहे? चांद्रयान 2 द्वारे भारत चंद्रभूमीवर रोबोटिक रोव्हर उतरवणार। चंद्राच्या भूपृष्ठाची निर्मिती कशानं झालीय? चंद्रावर खनिज असतील तर त्यातील घटक कोणते? चंद्रावर कोणत्या घटकांची विपुलता आहे? चंद्राची सर्वात बाह्य कक्षा कशानं व्यापलीय? चंद्रावर उतरवण्यात येणाऱ्या रोबोटिक रोव्हरद्वारे ह्या सर्व माहितीचा खजिना मिळावा हे उद्दिष्ट। चंद्रावर हायड्रॉक्सिल आणि घन स्वरूपातील पाण्याचे अंश आहेत का हे शोधणं। ऑर्बिटद्वारे चंद्राच्या भूपृष्ठाचं मॅपिंग करण्यात येईल। हे मॅप मिळाल्यास चंद्राचे 3D मॅपिंग करणं शक्य होईल। ऑनबोर्ड रडार देखील चंद्राच्या भूपृष्ठाचं मॅपिंग करेल। ऑनबोर्ड रडारद्वारे पाण्याचा अंश शोधणं हा मुख्य हेतू आहे। चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाच्या दिशेनं हे ऑनबोर्ड रडार काम करणार। चंद्रावर मातीचा थर अनेकदा दिसून आलाय, हा थर किती खोलपर्यंत आहे याचा वेध घेणं महत्वाचं। अमेरिकेची अंतराळ संशोधन संस्था
नासा सध्या आर्टिमिस प्रकल्पावरती काम करतेय. 2024 पर्यंत अमेरिका चंद्रावर मानवाचा समूह उतरवण्याच्या दिशेनं काम करतेय. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचा प्रदेश या दृष्टीनं महत्वाचा आहे. आता चांद्रयान 2 मोहीम 100% यशस्वी झाली तर चंद्राच्या एका तुकड्यावर नक्कीच तिरंगा फडके यात शंका नाही. याच विजयाच्या अपेक्षेनं इस्रो काम करतय. आता अमेरिका रशिया यांच्या बरोबरीनं चंद्राचा भूभाग भारताला पादांकृत करायचा आहे. ही मोहीम या प्रमुख उद्दिष्टांना साध्य करण्यासाठीच आहे. तृप्ती डिगीकर सह ब्युरो रिपोर्ट AM न्यूज. या चांद्रयान मोहिमेची उद्दिष्ट नेमकी काय आहेत ते पाहत आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून. चांद्रयान 2 द्वारे भारत चंद्रभूमीवर रोबोटिक रोव्हर करणार आहे. चंद्राच्या भूपृष्ठाची निर्मिती नेमकी कशानं झाली आहे. चंद्रावर खनिजं असतील तर त्यातली घटक कुठली आहेत. चंद्रावर कोणत्या घटकांची विपुलता आहे. चंद्राची सर्वात बाह्य कक्षा कशानं व्यापली आहे. चंद्रावर उतरवण्यात येणाऱ्या रोबोटिक रोव्हरद्वारे या सर्व माहितीचा खजिना मिळावा हेही उद्दिष्ट आहे. चंद्रावर हायड्रोक्सेल आणि घन स्वरूपातील पाण्याचे अंश आहेत का हेही शोधणं उद्दिष्ट आहे. ऑर्बिटरद्वारे चंद्राच्या भूपृष्ठाचं मॅपिंगही करण्यात येईल. हे मॅप मिळाल्यानंतर चंद्राचं 3D मॅपिंग करणं शक्य होणार आहे. ऑनबोर्ड रडार देखील चंद्राच्या भूपृष्ठाचं मॅपिंग करणार. या रडारद्वारे पाण्याचा अंश शोधणं हाही मुख्य हेतू आहे. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाच्या दिशेनं हे ऑनबोर्ड रडार काम करणार आहे. चंद्रावर मातीचा थर अनेकदा दिसून आलाय. मात्र हा थर किती खोलपर्यंत आहे याचा वेध घेणं महत्वाचं आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक कमेंट आणि शेअर करा. सबस्क्राईब करा आमचं चॅनल आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तसंच डाउनलोड करा आमचं ॲप आणि भेट द्या आमच्या वेबसाईटला www.amnews.live.